हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमने जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं दैट इज जेल एंड इट्स टाइप्स। जेल क्या होता है? इट इज ए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड फेज। अगर कोई सॉलिड फेज में अगर हम लिक्विड को डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? जेल फॉर्म होता है, जो हम जेली खाते हैं, समझ रहे ना? दोज आर कॉल्ड जेल्स। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? लिक्विड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? सॉलिड फेज होता है। ये आप पहले आपने इसको समझ चुका है, ठीक है ना? तो जेल्स कितने तरह के होते हैं, आज को देखिए जेल्स कितने तरह के होते हैं। जेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, इलास्टिक जेल। नंबर टू, नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल किसे कहते हैं? द जेल व्हिच कैन बी which can again retain its original property after rehydrating or applying certain heat। क्या इसका मतलब? ऐसे कुछ जेल्स हैं, अगर हम डिमल स्पेस में उसको कर लेते हैं, उसमें से वाटर निकल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो उसमें से वाटर निकल गया तो वो हमारा रहा नहीं इमल्शन। अगर हम उसको थोड़ा सा फिर उसमें पानी डाल दें या उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, वो क्या हो गया? फिर नरम हो जाएगा, यानी अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर देगा। उसको बोलते हैं इलास्टिक जेल। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, जेलाटिन, अगर अगर, ये दो इसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक जेलाटिन अगर अगर। इसको क्या करते हैं? अगर हम उसमें से पानी सुखा दिए, डिमल्सिफिकेशन मेथड जो पढ़े थे उसमें पानी सुखा दिए, तो जेलाटिन अगर अगर और इमल्शन नहीं रहेगा, जेल नहीं रहेगा। अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, फिर पानी थोड़ा डाल दें, फिर वो क्या होगा? अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर लेगा। तो दिस इज नोन एज इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल क्या है? जस्ट अपोजिट टू इस। नॉन इलास्टिक जेल, इट विल नॉट कम बैक to retain its original property even after rehydrating or by warming। अगर उसको गर्म करते हैं, मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। और आलम, ये जो जेल्स है, इसको अगर हम डिमल्सिफिकेशन कर लेते हैं, इसमें से वाटर को निकाल देते हैं, ये पाउडर जैसा हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इन टू पाउडर। और उसको अगर इसमें पानी डालेंगे, इट विल नेवर अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल जेल स्टेट। वो जेल स्टेट को आएगा नहीं, उसको गर्म करेंगे भी वो जेल स्टेट को आएगा नहीं। तो दीज आर कॉल्ड नॉन इलास्टिक जेल। आप समझ गए? तो इसको आप याद रखिए, जेल्स आर टू टाइप्स, वन इज इलास्टिक, अनदर नॉन इलास्टिक। इलास्टिक का एग्जाम्पल जेलाटिन अगर अगर, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आलम। ये क्या होते हैं? इलास्टिक मीन्स इट विल रिटर्न अगेन टू ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ये अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी चले आएंगे अगर हम गर्म करते हैं, हम पानी डाल दें। लेकिन ये वाला और नहीं आएंगे, एक बार डिमल्सिफाई हो गए तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल्स, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल्स आर देयर। नंबर वन, सिनेरेसिस और व्हिपिंग ऑफ जेल्स, सिनेरेसिस और व्हिपिंग ऑफ जेल्स। नंबर टू, थैक्सोट्रोपी। नंबर थ्री, इम्बिबिशन और स्वेलिंग। नंबर फोर, पीरियडिक प्रेसिपिटेशन। तो पहले क्या है? सिनेरेसिस और व्हिपिंग ऑफ जेल। सिनेरेसिस इज नथिंग बट अगर हम जेल को कुछ देर तक रख लेंगे, क्या होगा? इट विल श्रिंक और लॉस द लिक्विड बाय स्टैंडिंग। कुछ देर तक रखेंगे तो उसमें जो लिक्विड हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा।
वो स्विंग कर जाएगा, दैट इज नोन एज वीपिंग और सिनेरेसिस ऑफ जेल्स। दूसरा बच्चे थैक्सोट्रोपी क्या है, सम जेल्स अगर हम उसको सेक करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा और स्टैंड कर देंगे तो अपने आप अपना ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं थैक्सोट्रोपी। आप समझ गए, बाय सेकिंग टर्न्स लिक्विड, लिक्विड हो जाएगा। अगेन बाय स्टैंडिंग कम्स टू ओरिजिनल, समझ गए। अगर हम उसको हिला देंगे या चेक कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही रख देंगे फिर वो बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं थैक्सोट्रोपी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज थैक्सोट्रोपी। उसके बाद इम्बिबेशन ऑफ स्वेलिंग, ये क्या है इम्बिबेशन, अगर हम किसी जेल को रखते हैं इन कॉन्टैक्ट विद डिस्पर्स फेज, इन कॉन्टैक्ट विथ ही डिस्पर्स फेज, वो जेल में जो डिस्पर्स फेज होगा अगर उसी डिस्पर्स फेज कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, कुछ डिस्पर्स फेज विल बी ऑब्जर्व बाय दिस, वो क्या होगा मोटा हो जाएगा, समझ गए। इट विल ऑब्जर्व एंड स्वेल, और मोटा हो जाएगा, उसको ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा फिर मोटा हो जाएगा। बच्चों देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पीरियडिक प्रेसिपिटेशन, अगर हम उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करता कराते हैं किसी जेल का तो व्हाट हैपेंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एट रेगुलर इंटरवल, प्रेसिपिटेशन जब रेगुलर इंटरवल में होता है, जो रिंग्स फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन रिंग फॉर्म होता है, वो क्या होता है इन द ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो जो नंबर ऑफ रिंग्स होता है इन द ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी मीन्स 2, 4, 8, 16 वैसे होता है। तो बच्चों ये हमारा खत्म हो गया जेल्स एंड इट्स टाइप्स, इसको आप बिल्कुल ये वीडियो को 2-4 बार देखिए, नोट को लिखिए और किताब को भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास तो मस्ट share with your friends and colleagues. Okay, thank you.